दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव पर आखिर आप और भाजपा पार्षद आपस में एक दूसरे का खून बहाने में क्यों लगे हुए? आखिर क्यों नहीं शांति से चुनाव प्रक्रिया को पूरा होने दे रहे हैं? इसकी जमीनी हकीकत को आइए समझते हैं। उससे पहले सिविक सेंटर से सुने। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शेली ओबेरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गई, हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मारपिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम की एक अहम समिति है जिसके पास शिक्षा, पर्यावरण, पार्किंग आदि जैसे कई मुद्दों पर उप समितियां और नियम नियुक्त करने जैसे नियम बनाने की शक्तियां होती हैं। राजधानी शहर की नीतियों को लागू करने आदि के साथ निगम का प्रबंधन करना शामिल है। स्थायी समिति एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारिणी निकाय है और इसमें 18 सदस्य होते हैं, जबकि समिति के 6 सदस्य सीधे तौर पर सदन द्वारा चुने जाते हैं, जो अभी हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है, और बाकी 12 सदस्य वार्ड समितियों यानी कि जॉन कमेटी से चुने जाते हैं। असल में हंगामे की बड़ी वजह यह है कि स्थायी समिति के 18 सदस्यों में से जिस दल के सदस्य ज्यादा होंगे उसी दल यानी पार्टी का सदस्य ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ पाएगा और सदन की नीति और वित्तीय निर्णयों पर कंट्रोल उसी का होगा। आप समझते हैं नगर निगम की उन 12 जोन समिति की जमीनी हकीकत, किस जोन पर किस पार्टी का अभी कितना कब्जा बना हुआ है। 12 जोन में से 6 जोन हैं साउथ जोन, वेस्ट जोन, रोहिणी जोन, सिटी सदर पहाड़गंज जोन, करोलबाग जोन और सेंट्रल जोन। इस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा वाजे है और बाकी 6 जोन हैं शाहदरा जोन, नॉर्थ जोन, शाहदरा साउथ जोन, केशवपुरम जोन, नजफगढ़ जोन, सिविल लाइंस जोन और नरेला जोन, जिस पर बीजेपी बहुमत में है। वोट के हिसाब से एक जोन नरेला जोन ऐसा जोन है जिसमें आपके एक पार्षद ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि सेंट्रल जोन ऐसा जोन नहीं है जहां बड़े उलटफेर होने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। आप समझते हैं इन जोन समिति की जमीनी हकीकत को। पहले बात करते हैं सेंट्रल जोन की। इस जोन में कुल 25 निगम पार्षद हैं, इनमें से फिलहाल 13 सीटों पर आपका कब्जा है और 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इस तरह से अब भी यहां आम आदमी पार्टी का बहुमत साफ नजर आता है, लेकिन इस जोन में उपराज्यपाल द्वारा 2 नॉमिनेटेड पार्षद यानी कि एल्डरमैन भेज दिए गए। इस तरह से बीजेपी के वोटों का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। इसके बावजूद यहां आम आदमी पार्टी बहुमत में है, लेकिन इस जोन से उपराज्यपाल ने कांग्रेस की एक पार्षद को हज कमेटी के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यहां से स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य लाने का जुगाड़ कर लिया है। यदि ऐसा संभव हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं नरेला जोन की। नरेला जोन में कुल 16 पार्षद हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर जीती है और बीजेपी के पास यहां
पांच सीट आई हैं और एक सीट पर बीजेपी के बागी गजेंद्र दराल ने जीत हासिल की है, जो अब वे फिर से बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और आपके एक पार्षद ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस तरह से यहां बीजेपी के पास अब 7 वोट हो गए। अब विशेष बात यह है कि जोन में उपराज्यपाल ने बीजेपी के 4 सदस्यों को एल्डरमैन बतौर मनोनीत कर दिया। इस तरह से बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा अब 7 से 11 वोट का नजर आता है और आपके पास 9 वोट रह जाते हैं। ऐसे में इस जोन पर भी बीजेपी का कब्जा हो गया है। अब यहां से भी बीजेपी का एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। अब बात करते हैं सिविल लाइन जोन की। इस जोन में कुल 15 निगम पार्षद हैं, जिनमें से 9 सीट पर आपका कब्जा है और 6 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस जोन में उपराज्यपाल द्वारा बीजेपी के 4 लोगों को एल्डरमैन मनोनीत कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के पास 10 वोट हो गए हैं, जबकि आपके पास केवल 9 वोट रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी यहां बहुमत में नजर आ रही है। यह वो जोन की जमीनी हकीकत है जिसमें रणनीतिकार व राजनीति पंडित द्वारा भाजपा ने जोन को अपने कब्जे में कर लिया है और 4 जोन ऐसे हैं जिसमें भाजपा पहले से ही बहुमत में। जैसे शहादरा उत्तरी जोन में कुल 35 पार्षद हैं, जिसमें से 18 पार्षद बीजेपी के। इसी तरह शहादरा दक्षिणी जोन में 26 पार्षद में से 17 पार्षद बीजेपी के। इसी तरह से नजफगढ़ जोन में 22 में से 13 पार्षद और केशवपुरम जोन में 15 में से 13 पार्षद बीजेपी के हैं। इस लिहाज से इन 4 जोनों में बीजेपी के लिए कोई मुश्किल होती नजर नहीं आ रही है। अगर इसी समीकरण की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं होता है तो भाजपा 12 में से 7 जोन पर अपना कब्जा करने में मजबूत नजर आ रही है और बाकी बचे 5 जोन, उसमें से आपका दबदबा साफ नजर आता है। इस जोन में बीजेपी और कांग्रेस किसी भी जुगाड़ के जरिए बढ़त हासिल करने में सक्षम नजर नहीं आती है। जैसे कि साउथ जोन में कुल 23 पार्षद हैं, जिनमें से 17 पार्षद आम आदमी पार्टी। उसी तरह से वेस्ट जोन में 25 में से 20 पार्षद आप पार्टी के हैं। ऐसे ही रोहिणी जोन में 23 में से 14 पार्षद आपके हैं और ऐसे ही सिटी सदर पहाड़गंज जोन में 12 में से 10 पार्षद आपके हैं और ऐसे ही करोलबाग जोन में 13 में से 11 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। इन 5 जोन में से आप ही के सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनकर आएंगे। यह है वो जमीनी हकीकत जिसके पीछे स्थायी समिति के चुनाव में हो रहा है इतना हंगामा। आपको यह जमीनी हकीकत की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब्बा खैर।